Hi guys, myself Khushbu Agarwal and welcome to my channel BioSetu, Bridging the Knowledge Gap. आज मैं PYQ sessions के साथ आई हूँ. So basically एक series of video रहेगा जिसमें हम लोग previous year questions of your CSI या life science exam करने वाले हैं. तो I am going to start from 2011 के questions के साथ. That is June 2011 से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं start करूँ, क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चंस बहुत कम आपको अवेलेबल होते हैं. तो मैं वहाँ से शुरू करूँगी एंड मैं यूनिट स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. तो फिलहाल मैं यूनिट टू को फोकस कर रही हूँ. सो यूनिट टू के जितने भी क्वेश्चंस जून 11 में थे, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, उसको लेकर आऊँगी. देन दिसंबर में थे, उसको लेकर के आऊँगी. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू कम्प्लीट 2011, फिर दूसरे यूनिट के सिमिलरली 2011 के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी. सो बेसिकली आपका ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन रहेगा. ओके, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन. उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड यू विल नॉट मिस एनी ऑफ द वीडियोज विच आई विल बी अपलोडिंग. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके यूनिट टू ऑफ योर CSI सिलेबस, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2011. सो इन जून 2011 कुछ सेक्शन बी में कुछ करीब 5 क्वेश्चन आपके सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में थे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस एक्वाफोरिन्स इज रेगुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 3 हाईली कंजर्व्ड अमीनो एसिड. सो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन जो कि आपके स्ट्रक्चर ऑफ एक्वाफोरिन से डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो जिन लोगों ने भी स्ट्रक्चर ऑफ एक्वाफोरिन पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली कर पाएंगे. तो हम लोग देखते हैं कि ये एक्वाफोरिन क्या है, कैसा है. तो एक्वाफोरिन का जो स्ट्रक्चर, इट इज़ आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मल्टीपल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये होमोटेट्रामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और हर एक जो है वो बीटा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बना करके प्रेजेंट होता है सेल में. ओके, और एक्वाफोरिन का जब भी हम लोग बात करते हैं, एक्वाफोरिन फनल लाइक स्ट्रक्चर या ग्लास लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड दिस ग्लास लाइक ग्लास शेप स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ अ कंजर्व्ड मोटिव ऑफ APNN, दैट इज एस्पर्जिन प्रोलिन एंड एलालिन का कंजर्व मोटिव पाया गया है एक्वाफोरिन में. ओके, तो ग्लास शेप स्ट्रक्चर क्यों होता है, बिकॉज दीज आर पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड. एंड हमें पता है हमारा फॉस्फोलिपिड में ड्यू टू फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज हमारे लिपिड बाइलेयर में रहता है. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के वजह से, पॉजिटिव यहाँ पर प्रेजेंट है एंड नेगेटिव यहाँ पर है, तो इस वजह से दे गेट अट्रैक्टेड और कुछ फनल शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं फनल शेप स्ट्रक्चर, बन जाता है आपके बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी. तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, अगर मैं बताऊँ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है. ओके, सो फनल हमें पता है, हम लोग यूज़ करते हैं फनल. आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा जब बॉटल में हमें कुछ उस जिस बॉटल के आपके ओपनिंग बहुत छोटे रहते हैं, तो हम लोग फनल के यूज़ करते हैं. फनल को यूज़ करने से द रेट ऑफ फ्लो ऑल्सो इंक्रीजेज एंड एक्यूरेसी मेंटेन रहता है. तो इसीलिए जब भी हम लोग एक्वाफोरिन का बात करते हैं, हम लोग रेट का भी बात करते हैं कि एक्वाफोरिन हाई रेट में वाटर का ट्रांसमिशन करवाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो हाई रेट में फ्लो करवाता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ओनली. ठीक है, तो APN मोटिव इज द कंजर्व मोटिव जो दो लूप में पाया गया है. दिस इज वन लूप जिसमें पाया गया एंड दिस इज अनदर लूप. और जो इसका स्ट्रक्चर है, एन टर्मिनल एज वेल एज सी टर्मिनल इज इन साइड द साइटोसोल. ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होता है एंड देयर आर 6 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में. सो बेसिकली ये आपका एक्वाफोरिन का एक मोनोमर का स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं. ऐसे 4 मोनोमर प्रेजेंट होकर के एक्वाफोरिन बनाते हैं. तो इफ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, अगर ये 4 एक्वाफोरिन है तो इंडिविजुअल एक्वाफोरिन हर एक मोनोमर भी वाटर के ट्रांसमिशन के लिए इन्वॉल्व होता है एंड इन चारों के मदद से जो पोर बन रहा है वो भी वाटर के ट्रांसमिशन के लिए इन्वॉल्व होता है. एंड दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत हाई रेट में वाटर के ट्रांसमिशन के लिए
लिए एक्वाफोरिन रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन था दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस एक्वाफोरिन इज रेगुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द थ्री हाईली कंजर्व अमीनो एसिड. सो आंसर विल बी डेफिनेटली विच इज अ कोर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एस्पिरजिन प्रोलिन एंड एलानिन दैट विल आंसर विल बी सी. ओके सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अगेन द सेक्शन सी सेक्शन बी क्वेश्चन विच इज ऑफ 2 मार्क्स फ्रॉम जून 2011. पोलर बियर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज दे हैव मोर ऑफ. तो पोलर बियर अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है, और अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस आर रिलेटेड टू लाइक अनकपलिंग प्रोटीन, ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन, ये सब कुछ दिया हुआ है विच इज रिलेटेड टू समवेयर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन से, ईटीसी चेन से रिलेटेड है. और ईटीसी चेन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो हम लोगों ने वहाँ पर फिजियोलॉजिकल अनकपलर या अनकपलिंग एजेंट के बारे में भी पढ़ा होता है. अनकपलिंग एजेंट बेसिकली होते क्या है, अनकपलिंग एजेंट्स आर द मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन होते हैं. सो इनर मेम्ब्रेन में ये अनकपलिंग एजेंट व्हाट दे डू, पोर क्रिएट कर देते हैं. ओके सो पोर क्रिएट करने के वजह से पोर क्रिएट कर देते हैं. तो पहले जब पोर नहीं रहता है तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एटीपी सिंथेस दैट इज कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू ही आ पाते थे, जो कि आपका एटीपी फॉर्मेशन एटीपी सिंथेसिस करवाता था. लेकिन जब बहुत सारे जब एक ही रास्ता खुला होगा तो ऑब्वियसली जब एक ही गेट होगा तो हम लोग उसी गेट से जाएंगे. बट अगर एक रूम में 3-4 गेट कर दिया जाएगा तो सारे जो इंडिविजुअल्स होंगे उस रूम में उनके लिए तो मल्टीपल चैनल खुल गया, मल्टीपल गेट ओपन हो गया है, तो वो किसी एक गेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग पोर्स क्रिएट कर दे रहे हैं. मींस आपका जो अनकपलर एजेंट है, अनकपलिंग एजेंट्स है, वो पोर क्रिएट कर दे रहे हैं जिसके वजह से जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, द हाइड्रोजन आयन इज गेटिंग अनदर चैनल कि वो आराम से मैट्रिक्स में ट्रैवल करके आ पाए. तो इसका मतलब है जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होना था वो नहीं हो पाएगा और एटीपी जनरेशन नहीं हो पाएगा. बट स्टिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन पंपिंग हो रहा है, बट हाइड्रोजन पंपिंग इज नॉट कपल्ड विथ एटीपी सिंथेसिस, इंस्टीड हीट का जनरेशन होता है. तो ये अगर आप लोगों ने पढ़ा है अनकपलर तो ये आराम से आपको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन विच वॉज आस्क. और फिजियोलॉजिकल अनकपलर थर्मोजेनिन इज अ फिजियोलॉजिकल अनकपलर जो कि ब्राउन फैट्स में प्रेजेंट होता है. इन केस ऑफ चाइल्ड ऑल्सो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को बहुत ज़्यादा टास्क नहीं परफॉर्म करना रहता है, उन्हें सिर्फ सोना है, ठीक है, सोते हैं खाते हैं सिर्फ, ठीक है. तो उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा एटीपी का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फंक्शन वो नहीं कर रहे हैं. तो उन्हें क्योंकि मदर वूम के टेम्परेचर से जब वो बाहर निकल के आते हैं तो दे हैव टू मैच विद द आउटसाइड टेम्परेचर. तो सडनली उस एनवायरमेंट में इमीडिएटली उनका बॉडी कैसे कोप अप करता है, उनके बॉडी में ब्राउन फैट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है एंड इन दैट ब्राउन फैट फिजियोलॉजिकल अनकपलर सच एज थर्मोजेनिन इज प्रेजेंट. एंड दीज थर्मोजेनिन वॉट दीज थर्मोजेनिन आर डूइंग, आपका अनकपलिंग का काम करवा रहा है, दैट इज एटीपी जनरेट नहीं कर रहा है बट हीट का जनरेशन करवा रहा है. तो अगेन ये बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वो वार्म्थ प्रोवाइड करेगा न्यूबॉर्न बेबी को, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो कोई एटीपी का उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. तो उनके केस में ऐसा देखा जाता है. तो पोलर बियर के केस में अनकपलिंग अकर्ड नेचुरली इन द ब्राउन एडिपोज टिश्यू. दिस टिश्यू इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ विच कंटेन प्रोटीन जिसको अनकपलिंग एजेंट दैट इज थर्मोजेनिन. तो उनमें भी पोलर बियर में भी देखा गया है कि थर्मोजेनिन का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है. ओके सो थर्मोजेनिन इज अ फिजियोलॉजिकल अनकपलर एज आई सेड. सो दिस थर्मोजेनिन अलाउ करता है हाइड्रोजन आयन को एक और रूट प्रोवाइड करता है कि आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रैवल कर सकते हैं, एटीपी जनरेशन नहीं होगा बट हीट का जनरेशन होगा. सो इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स सच एज पोलर बियर. तो ऑब्वियसली पोलर बियर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज दे हैव मोर ऑफ अनकपलिंग एजेंट. सो आंसर विल बी डेफिनेटली बी विच इज अ वेरी इजी क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन योर एग्जाम.
सो नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन दैट इज अगेन फ्रॉम सेक्शन बी 2 मार्क्स. विच ऑफ द साइक्लिन हैव और हैज एसेंशियल फंक्शन इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन जो पूछा गया है. एस फेज का बात किया जा रहा है. हमें पता है कि इन केस ऑफ मैमल, इन केस ऑफ एसेरिवेसी बडिंग, ये सबके केसेस में स्पेसिफिक साइक्लिन्स आर रिक्वायर्ड विच बाइंड टू स्पेसिफिक सीडीके इन स्पेसिफिक फेजेस ऑफ द सेल साइकिल. अगर हम लोग मैमल का बात करें, एनिमल सेल्स का बात करें, तो हमारे में स्पेसिफिक फेजेस ऑफ द सेल साइकिल में स्पेसिफिक साइक्लिन का रिक्वायरमेंट होता है, जो स्पेसिफिक सीडीके से बाइंड करके वो स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है. ओके, सो जी1 साइक्लिन इज प्रेजेंट. जी1 साइक्लिन में साइक्लिन डी CDK4 CDK6 का एसोसिएशन होता है, और जी1 साइक्लिन जी1 का फेज को अंडरगो करवाता है. वी नो इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं, जी1 एस एम और जी2 फेज एंड एम फेज होते हैं. ठीक है, तो उसके स्पेसिफिक साइक्लिन होते हैं. वैसे ही लेट जी1 और अर्ली एस के साइक्लिन ई CDK2 होता है, देन एस फेज के साइक्लिन ए CDK2 होता है, एम फेज में साइक्लिन बी एंड CDK2 होता है. तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एस फेज साइक्लिन के बारे में, एसेंशियली हैज द फंक्शन और रोल टू प्ले इन एस फेज. तो ऑब्वियस सब बात है कि ए टाइप ऑफ साइक्लिन ही है. ठीक है, तो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्ड इन योर एग्जाम. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन अगेन फ्रॉम सेक्शन बी 2 मार्क्स. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन आज, विच वॉज रिलेटेड टू दी एक्टिव ट्रांसपोर्टर दैट इज सोडियम पोटेशियम ATPase. सोडियम पोटेशियम ATPase इज अ टेट्रामर ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट आर दी सोडियम एंड द पोटेशियम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट. वेरी बेसिक क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर से पूछा गया था. अगर आपने सोडियम पोटेशियम ATPase पंप का स्ट्रक्चर देखा है तो आप आराम से इसका क्वेश्चन कर पाएंगे. इनफैक्ट 2011, 12, 8 से अगर हम लोग 12 तक देखें तो सोडियम पोटेशियम ATPase स्ट्रक्चर से काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, जो कि अभी थोड़े कम हो गए हैं, बट स्टिल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, तो सोडियम पोटाश में ATPase इज अ टेट्रामर जो 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट से बना है. तो अगर आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है तो स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम पोटाश में ATPase इज टेट्रामर होता है, या होमोडाइमर हम लोग बोल सकते हैं, 2 बीटा 2 अल्फा सब यूनिट से बना होता है. ओके, सो अल्फा सब यूनिट कंटेन 10 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATPase एक्टिविटी एंड आयन पंपिंग. ठीक है, ये अल्फा सब यूनिट जो है वो आपका ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATPase एक्टिविटी ऑल्सो, आयन पंपिंग ऑल्सो, बाइंडिंग ऑफ द आयन ऑल्सो एंड एवरीथिंग. तो बीटा सब यूनिट का क्या काम है? बीटा सब यूनिट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द असेंबली ऑफ द अल्फा सब यूनिट. अगर बीटा सब यूनिट नहीं होगा तो अल्फा सब यूनिट असेंबल ही नहीं कर पाएगा मेम्ब्रेन में. तो अल्फा बीटा इज रिक्वायर्ड फॉर द एसोसिएशन, बट आफ्टर एसोसिएशन अल्फा सब यूनिट इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द पोटेशियम सोडियम आयन और ATP बाइंडिंग और फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस ATP ट्रांसपोर्टर. ओके, तो ऑब्वियस सब बात है, क्वेश्चन में पूछा गया कि सोडियम पोटेशियम ATPase इज अ टेट्रामर ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट आर द सोडियम पोटेशियम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट. तो ऑब्वियस सब बात है कि आंसर होगा अल्फा सब यूनिट, जिसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों का बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, ATPase एक्टिविटी भी होता है, एवरीथिंग ऑल दोज थिंग्स अल्फा सब यूनिट परफॉर्म करता है. बीटा का रोल अगर पूछा जाएगा तो बीटा सब यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट असेंबली ऑफ द अल्फा सब यूनिट इन द मेम्ब्रेन. ओके, सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विद फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ जून 2011 यूनिट 2 क्वेश्चंस. ओके, सेक्शन सी एज वेल एज सेक्शन बी. ओके, सो टिल देन विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. बेल आइकन को प्रेस करिए टू गेट द अपडेट. जो भी मैं वीडियो डालूंगी आपको अपडेट आ जाएगा. प्लीज इफ यू लाइक द सेशन लाइक करिए, कमेंट करिए व्हाट डू यू एक्सपेक्ट और क्या मुझे करना चाहिए, प्लीज लेट मी नो. आप कमेंट भी कर सकते हैं एंड आस्क शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इफ यू लाइक द सेशन. ओके, सो थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर.